बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शाहिद महमूद। टुडे वी डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, जो के फिलिप कॉटलर और गैरी आर्मस्ट्रांग की बुक है जी। इसमें आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग क्रिएटिंग एंड कस्टमर वैल्यू। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी हेडिंग देखेंगे कि इसमें कौन सी हेडिंग्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहली टॉपिक्स आउटलाइन में है जी, व्हाट इज़ मार्केटिंग, अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स, डिज़ाइनिंग ए कस्टमर ड्राइविंग मार्केट स्ट्रेटजी, प्रिपेयर एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान एंड प्रोग्राम, बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स, कस्टमर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स, द चेंजिंग मार्केट लैंडस्केप। फर्दर हम सबको इसको डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट। तो पहला हमारा पॉइंट है डिफाइन मार्केटिंग एंड आउटलाइन द स्टेप्स इन द मार्केट प्रोसेस। तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट क्या है। एनी प्लेस वेयर बायर्स और सेलर मीट इज कॉल्ड मार्केट। ये तो है जी मार्केट। अब मार्केटिंग क्या होगा? मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाई विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर इन रिटर्न। कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कस्टमर्स की वैल्यू को क्रिएट करते हैं और स्ट्रॉन्ग टारगेट मार्केट में टारगेट कस्टमर को हम बिल्ड करते हैं, ताकि हम उससे हाई वॉल्यूम में सेल करके अपना इन्वेस्टमेंट का जो है रिटर्न वो हासिल कर सकें। तो ये है जी प्रॉफिट मोटिव में मार्केटिंग की डेफिनेशन। अब इसमें दूसरा पॉइंट है जी इसका, कि इसके प्रोसेस, मार्केटिंग प्रोसेस क्या है। तो मार्केटिंग प्रोसेस में सबसे पहला है जी, पांच है जी, अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट, डिजाइनिंग ए कस्टमर ड्राइविंग मार्केट स्ट्रेटजी, कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केट प्रोग्राम दैट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू। फोर्थ है जी, बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट। और नेक्स्ट है जी, कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स टू क्रिएट प्रॉफिट्स एंड कस्टमर इक्विटी। तो ये हमारा पहला स्टेप जो है ये क्लियर हुआ कि डिफाइन मार्केटिंग एंड आउटस्टैंडिंग द स्टेप्स इन द मार्केट प्रोसेस। सेकंड है हमारा जी, इसमें स्टेप है जी अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स। तो इसमें कस्टमर नीड्स में हम देखेंगे कि कोर कंसेप्ट्स, हमारे फाइव कोर कंसेप्ट्स हैं जी। उसमें पहला है जी कस्टमर नीड्स वांट एंड डिमांड्स, मार्केटिंग ऑफरिंग्स, वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, एक्सचेंज एंड रिलेशनशिप्स, और पांचवा है मार्केट। इसको फर्दर हम फिर देखेंगे डिटेल से कि नीड्स क्या है। दीज नीड्स वर नॉट क्रिएटेड बाई मार्केटर्स या मार्केट्स, दे आर ए बेसिक पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेकअप। कि हर इंसान में मुख्तलिफ किस्म की नीड्स जब मन में पैदा होती है तो वो ख्वाहिश करता है कि मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए। जब वो नीड उसकी जेन में आती है तो वो वांट कब बनती है? तो वो उस वक्त वांट बनती है जब वो बिल्कुल तैयार हो जाता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए। जैसे कि बाबा नसीर छोले वाले, ये आप खाना चाहते हैं। पाकिस्तान की नीड्स क्या है जी? फूड, बट वांट्स चपाती, कबाब, नान, ये हमारी वांट है। व्हेन बैक्ड बाय बाइंग पावर वांट्स बिकम डिमांड्स। तो वांट जब हमारे अंदर पैदा हो जाती है तो फिर डिमांड कम बनती है जब हमारे पास बाइंग पावर आ जाती है। फर्ज करें हमने फ्रिज लिया है, वो पहल का लिया है जी। पहल हमने फ्रिज में ख्वाहिश रखते हैं कि ये हमारे पास हो, तो कब खरीद सकेंगे? जब बाइंग पावर हमारे पास आ जाएगी तो वो हमारी डिमांड हो जाएगी। इस तरह नीड, वांट और डिमांड की रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल होती है। तो इसमें फिर मजीद हमारी है जी मार्केटिंग ऑफरिंग्स। मार्केटिंग ऑफरिंग में क्या है जी हमारे पास?
प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इसमें आर द कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज इंफॉर्मेशन आर एक्सपीरियंसेस ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई ए नीड आर वांट्स। तो इसमें प्रोडक्ट क्या होती है, प्रोडक्ट में एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू सेटिस्फाई ए नीड आर वांट। फिजिकल प्रोडक्ट, सर्विसेज, एक्सपीरियंस, पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ये सारी हमारी प्रोडक्ट कहलाएंगे। प्रोडक्ट की एग्जांपल अगर लें, स्मोकिंग इज बैड आइडिया कैन बी ए प्रोडक्ट। ए प्रोडक्ट कैन बी, ए पर्सन कैन बी प्रोडक्ट इन एन इलेक्शन, तो ये भी हमारी प्रोडक्ट कहलाएगी। इसी तरह सर्विसेज में क्या होगा, जस्ट वन काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, वन काइंड ऑफ द प्रोडक्ट, ये हमारी सर्विस कहलाएगी। इसी में मार्केटिंग मायोपिया दिया है, इज फोकसिंग ओनली ऑन एग्जैक्टिंग वांट्स एंड लूजिंग साइट ऑफ अंडरलाइंग कंज्यूमर नीड्स। तो जो हमारी नीड्स बताई होगी उसी के हिसाब से ये हमारी मार्केटिंग मायोपिया कहलाएगा। और इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप है इसमें वैल्यू सेटिस्फेक्शन क्वालिटी। अब वैल्यू, कस्टमर वैल्यू क्या है जी, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू गेन बाय ओइंग एंड यूजिंग ए प्रोडक्ट एंड कॉस्ट ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट, ये जो डिफरेंस होगा वो हमारा वैल्यू कहलाएगा। वैल्यू गेन नॉन नेसेसरली मॉनेटरी, सिमिलरली कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग नॉन नेसेसरी मॉनेटरी, तो ये हमारी कस्टमर वैल्यू होगी। इसी तरह सेटिस्फेक्शन क्या है जी, परसीव परफॉर्मेंस रिलेटिव टू एक्सपेक्टेशन, तो ये हमारी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कहलाएगी। और क्वालिटी क्या है, क्लोजिंग रिलेटेड टू सेटिस्फेक्शन, नैरो डेफिनेशन टू डिफीट्स, तो ये हमारी क्वालिटी होगी। नेक्स्ट हमारा अगला फोर्थ सब्जेक्ट है जी, क्या है जी, एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या है जी, ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप। एक्सचेंज क्या है जी, ऑब्टेनिंग ए डिजायर ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न, के मतलूबा एतराज या जो चीज़ हम ऑफर करते हैं वापसी हमें वो एक्सचेंज हो जाती है, तो ये हमारी इसमें एक्सचेंज है। ट्रांजैक्शन क्या होगी, ट्रेड ऑफ वैल्यू बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के दरमियान में ट्रांजैक्शन हो रही है। मार्केटिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन होगी। इसी में रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होगी, गोइंग बियॉन्ड शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद वैल्यू कस्टमर पार्टनर्स, तो ये सारी हमारी रिलेशनशिप कहलाएगी। और इसी का पांचवा स्टेप जो अंडरलाइन द मार्केट का और नीड का, मार्केट। मार्केट्स क्या है जी, मार्केट तीन किस्म की है। अगर देखें मार्केट को इकोनॉमिस्ट डेफिनेशन के लिहाज से, तो प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर मीट, ये इसकी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है। इसी तरह मार्केट को अगर मार्केटर्स डेफिनेशन के लिहाज से देखें, द सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट, द सेलर ऑफ प्रोडक्ट आर लेबल्ड एज इंडस्ट्री, तो ये इसके लिहाज से होगी। इसी तरह इंडस्ट्री, मार्केटर्स इंडस्ट्री के लिहाज से देखें, द सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट, तो ये हमारी मार्केट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हमने डिस्कस किया। थर्ड हमारा स्टेप है जी, डिस्कस करने जा रहे हैं डिजाइनिंग ए कस्टमर ड्राइविंग मार्केट स्ट्रेटेजी। तो डिजायरिंग क्या है जी, तो इसमें हम देखेंगे क्या है जी, पहला है जी मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द सेट ऑफ या इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद देम। मींस के मार्केटिंग की मैनेजमेंट इस लिहाज से हम करेंगे, यानी एक साइंस है कि टारगेट मार्केट में टारगेट कस्टमर को हम चूज करेंगे ताकि उससे हम अपना प्रॉफिट रेशियो जो हाई कर सकें। व्हाट कस्टमर विल बी सर्व, कैसे हमने उनको सर्व करना है, हाउ कैन वी बेस्ट सर्व दीज कस्टमर, और किस तरह करना है कि इस तरह करें कि वो हमसे लॉयल रहें और हमेशा, जैसे कहते हैं कि स्टे विद अस, तो वो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। जब जुड़े रहेंगे